कर्नाटक में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। बीते सोमवार को बीजेपी ने और आज कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी किया। हमारा फोकस बीजेपी के मैनिफेस्टो पे लिखे हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर रहेगा। बता दें कि जनसंघ के जमाने से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड चुनावी मुद्दा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमुखता से रखा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी बीजेपी ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा का अगला टारगेट यूसीसी ही हो सकता है। 2014 और 2019 के बीच लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भी भाजपा ने इसे शामिल किया था। भाजपा ने वादा किया था कि उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। यूसीसी के अंतर्गत पूरे देश में शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार को लेकर एक तरह का कानून बनाने का एजेंडा है जो कि सभी धर्मों के लोगों पर लागू हो। बता दें कि यूसीसी का उल्लेख संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। आइए जान लेते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने आदि पर लागू होगा। इसका मतलब ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी कि संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। बता दें कि बीजेपी द्वारा उत्तराखंड घोषणा के घोषणा पत्र में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल किया गया था। राज्य में बीजेपी की वापसी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का मसौदा बनाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। ये कमेटी राज्य के लोगों से संवाद करने में लगी है। इसी तरह गुजरात और हिमाचल में भी प्रयास किए गए। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैन्य बाहुल्य व देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले सभी जाति पंथ संप्रदाय के लोगों के लिए बिना किसी तुष्टिकरण के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के अनुरूप समान नागरिक संहिता बनाने की तेजी से काम किया जा रहा है और यूसीसी का ड्राफ्ट जून महीने तक तैयार हो जाएगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष साध्वी ने ऐलान किया था कि कैबिनेट ने यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाई है। इसके बाद घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यूसीसी पर निराशा जताते हुए कह चुका है कि सरकार इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है। बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद करोड़ी लाल मीणा ने संसद में यूसीसी को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। इसके बाद आरएसएस की पत्रिका इंद्रप्रस्थ संवाद में भी यूसीसी के बारे में छापा गया। इसमें कहा गया कि आखिर चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारा को अपने वित्त का प्रबंधन खुद करने दिया जाता है जबकि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता से वंचित क्यों है जबकि हिंदू महिलाओं के लिए इसका प्रावधान है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बेंगलुरु में कहा कि घोषणा पत्र में कुछ ऐतिहासिक घोषणा करने के लिए मैं कर्नाटक भाजपा की सराहना करता हूं। इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा या प्रतिबद्धता लैंगिक न्याय यानी कि जेंडर जस्टिस सुनिश्चित करने और मुस्लिम महिलाओं के समान अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। आइए अंत में जान लेते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखे गए वादों के बारे में। कर्नाटक में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध प्रतिदिन, हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो चावल और 5 किलो बाजरा, उगाही, गणेश चतुर्थी और दिवाली पर बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर, कर्नाटक ओनरशिप एक्ट में संशोधन, हर वार्ड में लैब। मैसूर में फिल्म सिटी के नाम का दिव्यंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के नाम पर नामकरण, अटल आहार केंद्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।